वो उनको नहीं, मिला हो लेकिन मत मिला क्या हम जाएगा। इस निष्कर्ष पर सुनील जी पहुंच सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है या फिर केजरीवाल को बीजेपी अब निगलने की कोशिश कर रही है? आप एग्जांपल्स देख लें, हिमाचल में ये लोग गए थे, हिमाचल में बिल्कुल खत्म हो गए, उत्तराखंड भी वही चीज हुआ, गोवा में हमने यही हाल ऑलमोस्ट देखा और अब गुजरात में भी यही हाल देख रहे हैं। तो क्या बीजेपी ने अब ठान लिया है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली के बाहर वो पैर नहीं पसारने देंगे किसी भी कीमत? नहीं नहीं नीलू जी, मैं तो मेरी निजी राय तो यह है कि आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करती है, इसीलिए भारतीय दिल्ली के बाहर वो नहीं निकल पाए। पंजाब में निकले तो एक तरह का एक राजनीति का स्थिरता और एक परंपरागत राजनीति से उभे हुए लोग। देखिए, आम आदमी पार्टी को लोगों ने स्वीकार किस लिए किया था? एक राजनीति में परिवर्तन के लिए, राजनीति में शुचिता के लिए, राजनीति में जिम्मेदारी के लिए, राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ, मतलब एक नई राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी को आम लोगों ने स्वीकार किया, सामान्य लोगों ने स्वीकार किया। अगर और जो परंपरागत राजनीति रही है उससे लोग निराश थे, इसलिए इनको एक्सेप्ट किया और बड़े पैमाने पर इसकी स्वीकृति मिली। 10 साल के भीतर जो राजनीतिक ऊंचाई इस पार्टी ने हासिल किया वो परिवर्तित राजनीति के लिए ये ऊंचाई लोगों ने दी। लेकिन अगर आप उसी तरह से परंपरागत राजनीति में फंसते चले जाएंगे, अगर आपको लक्ष्मी गणेश की राजनीति करनी है, अगर आपको किसी वैकल्पिक गवर्नेंस की बात नहीं करनी है, अगर आप लोगों के जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर बात नहीं करनी है, अगर आपको बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक को बांट करके की राजनीति करनी है, तो फिर आपकी पॉपुलरिटी क्यों बढ़ जाएगी? आपका कोई राजनीतिक सिद्धांत है नहीं, किसी विचारधारा से आप प्रेरित नहीं है। आप दिल्ली में लोगों में हो भाईचारा गा रहे थे और वहां जाकर के आपने महात्मा गांधी की फोटो उतार करके भगत सिंह जी की फोटो लगा दी। गुजरात में आपने भगत सिंह की फोटो कहीं नहीं दिखाई। वहां पे आप जाकर के गवर्नेंस की आपने बात की, कर्मचारियों की बात की, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की, और आते आते फिर आप गणेश लक्ष्मी पे उतर आए। तो अगर आप में विकल्प नहीं है तो विकल्पहीनता के अभाव में जो परंपरागत राजनीतिक दल है उससे कोई अलग आपसे क्यों हो जाएगा? दूसरी बात, संगठनात्मक रूप से कहीं भी आपने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश नहीं की। आप उत्तराखंड का चुनाव लड़े गए, उत्तराखंड में जिस व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, चुनाव के बाद वह व्यक्ति पार्टी से ही चला गया भारतीय जनता पार्टी में। हिमाचल प्रदेश में आप चुनाव लड़ते लड़ते पूरी तरह से गायब हो गए और पूरा का पूरा संगठन आपका भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। यानी कि जो आपके कार्यकर्ता हैं वो अभी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के नजदीक पाते हैं, उन्हीं लोगों से आप आगे बढ़ने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप कोई नई बात नहीं करते हैं जो लोगों को आकर्षित करे, अगर आप परंपरागत राजनीति से अलग हट करके कोई नई चेतना जागृत करने का अगर प्रयास आप नहीं करते हैं नागरिकों के बीच में, कोई आप राजनीतिक विचारधारा प्रेषित करने की कोशिश नहीं करते, तो क्यों कोई करेगा, क्यों कोई आपके पास जाएगा? तो मैं तो कभी नहीं मानता कि यह कोई भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी जैसे उपयोग करना चाहती है उसे उपयोग करती है और उसके बाद आपको किनारे कर देती है। आप देखिए, अगर आप एक राजनीतिक दल के रूप में प्रयास करें तो दिल्ली से नजदीक उत्तर प्रदेश है, आपको गाजियाबाद में कौन सी गतिविधियां मिलती हैं इनको? तो हमें, मुझे नहीं लगता कि हाँ, ये जरूर है कि मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यह संदेश देने की कोशिश करती है कि आम आदमी पार्टी मुख्य पक्ष है, मैंने अपने सुविधा के अनुसार एक विपक्ष को चुन लेना और उसको प्रमोट करना, यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है और उसी में आम आदमी पार्टी का उपयोग कर रही है, अन्यथा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये एक जो राजनीतिक ताकत बनी थी, एक जिस राजनीतिक ताकत के लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है, वह राजनीतिक ताकत उसने खुद अपनी राजनीति से खो दिया। अगर आप आम आदमी के मुद्दों पर, जन सामान्य के मुद्दों पर बोलेंगे नहीं, अपनी सुविधा के अनुसार या सत्तारूढ़ दल के सुविधा के अनुसार बोलेंगे, तो आपकी जनस्वीकृति कैसे बढ़ेगी? तो चलिए ठीक है, देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के जो ये MLAs हैं ये क्या कुछ करते हैं, और खासकर भूपत बयानी जिन्होंने कहा है कि वो जनता से बातचीत करके और तब वो बताएंगे कि उनका उन्होंने क्या मन बनाया है। लेकिन जैसे सुनील जी कह रहे थे कि राजनीतिक एक अपॉर्चुनिज्म, जिसको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहते हैं, बीजेपी वही कर रही है आम आदमी पार्टी के साथ। लेकिन अब आम आदमी पार्टी क्या अपना किला बचा पाएगी, उस पर निगाहें टिकी होंगी। अभी 2 बजे शपथ ग्रहण है और Q5 नेटवर्क पर हमारे टाइम टू टाइम लाइव अपडेट्स चलते रहेंगे, उस पर जुड़े रहेगा। थैंक यू सो मच सुनील जी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।